बली का भेद मिटाओ, एक साथ सब मिलकर आओ, नफरत की तोड़ो दीवार, बीजेपी लाओ सरकार, चौड़ी छाती वाला मोदी, भारत का रखवाला मोदी, चोर लगे अब तो घबराने, सबकी आ गई अकल ठिकाने, बड़ा सख्त है चौकीदार, बीजेपी की हो सरकार, मोदी जी ने किया प्रतिज्ञा जैसे खानी, हर घर बिजली हर घर पानी, हर गरीब अब खुशी मनाए, 200 रुपए बिजली बिल आए, भ्रष्टाचारी बचना पाए, का उद्धार अपनी बीजेपी सरकार, अब दहेज से मिली आजादी, मुक्त बेटियों की हो शादी, नई नई योजनाओं को लाकर, युवा दिलों में जगह बनाकर, दबी लक्ष्मी बाहर लाकर, नोट पुराने बंद कराकर, किया देश का है उद्धार, ऐसी बीजेपी सरकार, मोदी ने पहचान बना ली, सभी सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ पे पूरे जोश एवं उमंग के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथियों, ये कोई एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये हर और गरीब व्यक्ति का चुनाव है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। ये हर वो माता एवं बहने के चुनाव है जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है। हमारी तमाम बहनों का ये चुनाव है जिनको आज तक शौचालय उपलब्ध नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हर एक माताओं को, हर एक घरों को शौचालय मुहैया करवाया है। अब संघर्ष उनको सम्मान अखरीन करते झारखंड दिशा में लड़ाई अखरीन करते आज भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत को पर विश्वास रखते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर आस्था व्यक्त करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कार्यकर्ता नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। जिस प्रकार से देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ने साहेबगंज जिले के ऊपर इस राज्यसभा लोकसभा के ऊपर विशेष आशीर्वाद दिया है, रघुवर दास जी का लगातार साहेबगंज जैसे पिछड़े जिले को, इस राज्यसभा लोकसभा जैसे पिछड़े जिले को, चाहे गंगापुर का स्वीकृति कराने की बात हो, चाहे बंदरगाह बनाने की बात हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे लिट्टी पाड़ा में लोगों को पीने की पानी देने की बात हो, जिस प्रकार से लगातार इस
इलाके में विकास की बयार दिया है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने उम्मीदवार घोषित किया है नरेंद्र भाई मोदी ने, उनको आप सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के आप तमाम क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि आप आए और उस विकास की जो राजनीति स्थापित किया है, ताकि दिल्ली में भी नायब राज्यपाल लोकसभा का एक चौकीदार हमारी भावनाओं को संसद के अंदर करने का काम करेंगे, जिसको नरेंद्र भाई मोदी जी ने चुना है, जिसको रघुवर दास जी ने चुना है, जिसको अमित भाई साहब जी ने चुना है। यही अपील और आग्रह करने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। आज के इस चुनावी सभा में हम लोग के बीच झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजमाल, विधानसभा के विधायक अनंत ओझा जी, सम्मान्य मंच और आप लोग इस कड़ी धूप में भी पूरे लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से हजारों हजार के तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, समय कम है, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जाना है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग राजमान लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लोग, हम लोग 5 साल ठगाए, 5 साल हम लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मोड़े बचोर दिन आबू एकदम बुरे चू करना, मोड़े बचोर दिन आबू कोई हो बाकू नियल लेत बुना, कोई बाकू हीरी लेत बुना, और कोई और दुख तकलीफ ने बाकू कुली लेत बुना, और उनका लिखते नुआ दो मोकाबू न्याम का अन रे जे मोड़े बचोर रे आमरन प्रतिदिन बदल दारी या उका लिखाते बदल या उना तो चिन्ह बदल खान बदल दारी या। मैं सर्वप्रथम आज अपने प्रत्याशी श्री हेमलाल मुर्मू जी को शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले 2019 इस लोकसभा चुनाव में राजमहल की जनता उनको विजयी बनाए। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो संविधान ने जनता को अधिकार दिया है और उस अधिकार का प्रयोग कर हम देश में अच्छी सरकार बना, राज्य में अच्छी सरकार बना, और उसी दृष्टिकोण से 2019 का लोकसभा चुनाव में देश की करोड़ों जनता देश का भविष्य का फैसला करेगी। ये चुनाव सिर्फ एक एमपी भर जिताने के लिए नहीं है, ये चुनाव हमें देश किसके हाथों सुरक्षित रहे, देश विकसित कैसे होंगे और आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो देश के करोड़ों हमारे आदिवासी समाज, शोषित वंचित गरीब दलित समाज जिसके जिंदगी में बदलाव आनी चाहिए, इसलिए ये देश में एक मजबूत सरकार, इच्छा शक्ति वाली सरकार, गरीब के जीवन में बदलाव आने वाली सरकार।